हाय यार, मैं हूँ अग्रिम और वेलकम बैक टू दिस वीडियो जो कि हमारे स्पॉटिफाई क्लोन वाले यूट्यूब प्लेलिस्ट का एक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम बेसिकली बस अपने स्पॉटिफाई क्लोन को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्या टॉपिक कर रहे हैं, क्या सब कर रहे हैं वो मैं स्क्रीन पर जाकर समझाऊंगा, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पर जंप करते हैं। ठीक है, तो अपनी स्पॉटिफाई क्लोन में हम जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें इस वीडियो में हम क्या करना चाहते हैं, हम ऑथेंटिकेशन में साइनअप के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये नई वीडियो नहीं है, मतलब नई ही तो है, बट हमने ऑथेंटिकेशन साइनअप पिछली वीडियो में शुरू किया था जिसमें हमने मोस्टली कोड लिख दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस कोड को थोड़ा बहुत फिक्स करेंगे क्योंकि उसमें कुछ कुछ अभी रह गया था, क्योंकि हमने मतलब बस अभी अपने टॉप ऑफ द माइंड से कोड लिखा था, तो उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह रही हैं, उनको हम इस वीडियो में करके फिर हम टेस्ट भी इसी वीडियो में करेंगे और हम एक यूज़र क्रिएट करके देखेंगे और अपने डेटाबेस में जाके देखेंगे कि हमारा यूज़र क्रिएट हो रहा है या यूज़र क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर हो रहा है तो कैसे टाइप का हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं अपने इस पर वापस जाऊँ ना, तो इसमें मेरा रह क्या रहा था यार, इसमें मेरा ये रहा था कि एक चीज़ जो मैंने पिछली बार गलत बता दी थी वो ये थी कि ये JWT नाम के पैकेट से आता है जबकि ये जेसॉन वेब टोकन नाम के पैकेट से आता है। ठीक है, तो तुम अपने इसमें जाओ और npm i json web token कर दो। ठीक है, जब ये तुम एक बार कर दोगे तो तुम्हारा वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद तुम json web token को इंस्टॉल को यूज़ करके JWT उससे इम्पोर्ट करोगे। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़ जो गलत हुई थी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो एक छोटी सी गलत हो रखी है यार, वो ये हो रखी है कि ये जो JWT.sign है ना, इसमें हमारे को साथ में सीक्रेट भी भेजना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर तुम्हारे को याद हो तो पासपोर्ट में हमने अपना एक सीक्रेट यूज़ किया था जिसकी इज सपोज टू बी ए सीक्रेट, मतलब जो अभी एज सच हम उसमें इतनी टेंशन नहीं ले रहे, लेकिन इवेंचुअली ये सीक्रेट होनी चाहिए। तो वो आइडियली सीक्रेट हमारे को सेम सीक्रेट जो वहाँ पे दिया है वो यहाँ पे भी देना है। ठीक है, तो इसको जब तुम यहाँ पे दोगे इसके बाद ही ये JWT.sign फंक्शन ढंग से चलेगा। ठीक है, तो इससे हमारी helpers.js फाइल तो यार देखो सही हो गई है। ठीक है, अब हमारे को एक चीज़ और जो करनी है वो ये है कि ये जो हमने auth routes बना दिए हैं ना, ये तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें रह ये रहे कि हमारे को index.js में इन auth routes को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि देखो, मैंने जैसे शुरू में बताया था हमारे पूरी ऐप का एंट्री पॉइंट ही index.js ही है। ठीक है, हमारी ऐप इसी से चल रही है, तो अगर हमने इसमें नहीं बताया कि हमारे को auth.js को यूज़ करना है तो हमारे एप्लीकेशन को पता ही नहीं होगा कि उसको auth.js को भी यूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए यार अब हम शुरू करते हैं ये चीज़ करना। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे auth डॉट जे एस के राउट्स यूज़ हो जाएँ। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन auth डॉट जे एस वाले राउट्स को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो const auth routes इक्वल टू require डॉट स्लैश राउट स्लैश auth। ठीक है, ये मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ सारे auth routes और मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने इनको एक्सपोर्ट भी किया है या नहीं। तो यार देखो, मैंने इनको एक्सपोर्ट नहीं किया है बाई चांस, तो मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर भी करूँगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जिस राउटर की हेल्प से हमने सारे गेट पोस्ट वगैरह वाले सारी चीज़ें करी हैं ना, उस राउटर को हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देंगे ताकि जब हम यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्ट करें, रिक्वायर करें, तो हमारे ऑथ राउट्स में सारे राउट्स आ जाएँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट के नीचे जाएंगे और ऐप डॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐप डॉट यूज़ क्या होता है, हम कहेंगे कि भाई अगर कोई स्लैश ऑथ से राउट शुरू हो रहा है, इसका भी मतलब और भी समझाऊंगा, तो मेरे ऑथ राउट्स देखो। इससे ना क्या होगा, ये बेसिकली जब भी हमारा कोई भी जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने क्रोम पे जाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ माई साइट स्लैश ऑथ, अगर मैं ऐसा लिखूँगा ना बेसिकली mysite.com/auth, तो जैसे इसको स्लैश ऑथ दिखेगा ना, ये ऑथ राउट्स को यूज़ करने लग जाएगा। अगर इसको स्लैश ऑथ नहीं दिखेगा, ये ऑथ राउट्स को यूज़ नहीं करेगा। तो बेसिकली अब क्या है, अगर मैंने ऑथ डॉट जे एस में राउटर डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर लिया है, तो मेरा पूरा राउट क्या बना, स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर। मतलब कि बेसिकली अब जब भी स्लैश ऑथ आएगा वो ऑथ राउट्स के अंदर चला जाएगा, और स्लैश ऑथ के बाद अगर स्लैश रजिस्टर है तो वो इसको रन कर देगा। तो बेसिकली अब अगर मेरे को इस वाले राउट को हिट करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर। ऐसे क्या होगा, जैसे हम जितने भी फाइल्स बनाएंगे ना ऑथ राउट से, डिफरेंट राउट्स बनाएंगे, उनको हम अलग अलग स्टार्टिंग दे देंगे। ठीक है, ताकि हम उनको ढंग से यूज़ करें। ठीक है जी, तो ये हमने ऐप डॉट यूज़ में स्लैश ऑथ में ऑथ राउट्स दे दिए। ठीक है, अब एक जो हमारी इससे हमारी मतलब इम्पोर्ट भी हो गया, एक जो हमारी छोटी सी चीज़ और रह रही है नंबर 3,
वो ये रह रही है कि यहाँ पे हमने इसको रेग डॉट बॉडी से डायरेक्टली गेट कर लिया है यार, लेकिन ना ये रेग डॉट बॉडी बॉडी सॉरी ये देखो ये जैसे मैंने किया है ना, ये जेसॉन है, मतलब ये हम जेसॉन फॉर्मेट से गेट कर रहे हैं। अगर जेसॉन नहीं होगी मेरी रेग डॉट बॉडी तो ये ढंग से नहीं चलेगा, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो रेग डॉट बॉडी को जेसॉन में लाने लाना है ये हमारे को एक्सप्रेस को बताना पड़ता है, सॉरी ठीक है, हाँ सॉरी नहीं, अपने नोड को बताना पड़ता है एक्सप्रेस के थ्रू, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपल ऐसे बोल देते हैं कि ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। अगर मैं सिर्फ ये एक लाइन लिख दूंगा ना, इससे एक्सप्रेस को समझ आ जाएगा कि अगर मेरी कोई भी बॉडी आ रही है, मेरी रेग डॉट बॉडी में कुछ भी आ रहा है, मेरे को उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? तो अगर मैंने ये लाइन भी डाल दी तो इससे मेरी तीसरा फिक्स भी हो गया कि बेसिकली अब इसमें वो जेसॉन में आएगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा वॉट डॉट जेएस में जाएगा, उसको दिखेगा ऑथर आउट से वॉट डॉट जेएस में जाएगा, वो यहाँ पे रेग डॉट बॉडी से चीज़ें गेट करेगा, और ये सारा फ्लो जो हमने पिछली वीडियो में बनाया उसको रन करेगा, है ना? और उसके बाद वो हेल्पर्स में जाएगा, टोकन गेट करेगा, ये टोकन सही से चल जाएगा, वो वापस आएगा, वो यूज़र टू रिटर्न बना के स्टेटस 200 के साथ यूज़र को रिटर्न कर देगा, ठीक है? ये हमने पूरा का पूरा कोड अब कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपने फाइल को शुरू करके देखते हैं क्या हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है? देखो ये तो डेप्रिकेशन वार्निंग है, इसको अभी दिक्कत कोई नहीं है। अगर तुम यहाँ पे देखो ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 8080 कनेक्टेड टू मोंगो, ठीक है? तो कोई एरर नहीं आ रहा, बड़ी अच्छी बात है, हमारा सर्वर शुरू हो रहा है, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं यार इसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, टेस्टिंग हम करेंगे ये पोस्टमैन नाम के सॉफ्टवेयर से, ठीक है? तो ये पोस्टमैन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पोस्टमैन बेसिकली एपीआई की टेस्टिंग का ही सॉफ्टवेयर है और डॉक्यूमेंटेशन का। तो इसमें ना हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी भी यूआरएल पे और उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक प्लस दबाया मैंने, जैसे तुम गूगल में क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में टैब ऐड करते हो, इसमें भी टैब ऐड कर लो, और फिर यहाँ पर ये इसने मेरा कुछ ऐसा सा पेज खोल दिया, ठीक है? अब इस पेज में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देखो पहली बात तो एंटाइटल्ड रिक्वेस्ट कह रहा है ना, इसको मैं देखो मैं तो इसके अंदर बना रहा हूँ, तुम कहीं पर भी बना, तुम जैसे पहले बनाई थी वैसा ही बना सकते हो। इसके अंदर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, चलो ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, उसको मैं उसके अंदर बाद में डाल लूँगा। तो ये यार मेरी एक अनटाइटल्ड रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है? बहुत कुछ आ रहा है इसमें, हमारे को क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो, अगर तुम देखो ये तुम्हारे को टाइप ऑफ रिक्वेस्ट की ऑप्शन दे रहा है कि तुम्हारे को कौन सी टाइप भेजनी है। जैसे हमारे को क्या चाहिए, हमारे को पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है? तो मैं गेट की जगह इसको पोस्ट कर देता हूँ। अब ये कह रहा है आपको रिक्वेस्ट किस यूआरएल पे भेजनी है, मेरे को किस यूआरएल पे भेजनी है, मेरे को भेजनी है लोकल होस्ट 8080 स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर, ठीक है? इस पर क्यों भेजनी है, इसको सेव नहीं कर रहे अभी, इस पर मेरे को क्यों भेजनी है, क्योंकि लोकल होस्ट 8080 पे तो मेरा सर्वर रन हो रहा है, देखो ये कह रहा है रनिंग ऑन पोर्ट 8080, ठीक है? उसके बाद हमें स्लैश ऑथ भेजनी है ताकि वो ऑथ राउट्स में चला जाए, और उसके बाद मेरे को स्लैश रजिस्टर भेजना है ताकि वो इस वाले रिक्वेस्ट को रन कर दे, ठीक है? तो लोकल होस्ट 8080 स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर, ठीक है? तो ये हमारी रिक्वेस्ट हो गई कि मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है ऑथ स्लैश रजिस्टर पे, ठीक है? तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप एक ही चीज़ जो मेरे को बतानी रह गई कि इसमें हमने देखो रेग डॉट बॉडी में बहुत सारा डेटा भेजा है, तो वो डेटा हम पोस्टमैन से कैसे बताएंगे, है ना? तो उसमें अगर तुम यहाँ पे देखो बहुत सारे ये टैब्स आ रहे हैं जिसमें से एक टैब है बॉडी करके, तो ये बॉडी एक्चुअली रेग डॉट बॉडी सेंड करने के लिए ही बना है, ठीक है? तो अगर अभी तुम बॉडी पे क्लिक करोगे आएगा नन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कोई बॉडी नहीं भेज रहा। तो इसको हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से रॉ जेसॉन बॉडी भेज पाएँ इन फील्ड्स के साथ, है ना? तो उसके लिए यार हम इस नन को तुम रॉ पे शिफ्ट करो और इधर टेक्स्ट की जगह जेसॉन सेलेक्ट कर लो। तो अब बेसिकली क्या है, ये जो मेरे पास एरिया है जिसमें मैं टाइप कर पा रहा हूँ, इसमें मैं अपनी एक जेसॉन इनपुट दे सकता हूँ जो कि मेरे इस रेक डॉट बॉडी को पास हो जाएगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो इसमें जेसॉन के अंदर अगर मैं पहले अपनी डालूँ ईमेल, ठीक है, तो देख लेते हैं मेरे को ईमेल पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम ये सब चाहिए। ईमेल मैं दे देता हूँ agrim@gmail.com, ठीक है, सेव नहीं करना है। पासवर्ड, ठीक है, ईमेल के बाद मेरे को नेक्स्ट चीज़ क्या देनी है, पासवर्ड, ठीक है। मतलब देखो इसकी ऑर्डरिंग से फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, तुम फर्स्ट नेम लास्ट नेम को पहले दे दो पासवर्ड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही सेम रख रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैं अभी के लिए बस पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है, सेव कर ही देंगे इसको, कोई नहीं, ठीक है। तो ये बॉडी में थे हम, ईमेल मैंने ये सेव कर दी, पासवर्ड मैंने ये दे दिया, ठीक है। और बाकी अब हम ले देते, पहले यूज़र नेम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी ऑर्डर रखो, ठीक है। यूज़र नेम मैं अभी रैंडम कुछ भी रख देता हूँ, अगर ग्रुप का, ठीक है। फर्स्ट नेम
अग्रिम, लास्ट नेम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने कोई वैलिड ईमेल, ये मेरी ईमेल नहीं है पहले ही बता दूँ, लेकिन अभी रोके हम ईमेल वेरीफाई नहीं कर रहे, तो अभी के लिए मैंने कुछ भी डाल दिया। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि मेरी आईडी क्रिएट होती है या नहीं होती है। तो अगर मैंने अपनी ये बॉडी बना दी तो इससे मेरी रेक डॉट बॉडी भी फॉर्म हो गई। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है इसी URL पे। अब मैं इसको सेंड करना ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखो लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स आया। पहली बात तो अगर हम अपने टर्मिनल पे जाएं, हमारे को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने लॉग्स नहीं लगाए हुए, वो हम बाद में लगाएंगे, लेकिन कोई एरर भी नहीं आ रहा। ये मेन पॉइंट है कि कोई एरर मेरा एज सच प्रिंट नहीं हो रहा। और अगर तुम यहाँ पे देखो ये स्टेटस में क्या दिखा रहा है, 200 ओके, ये कह रहा है स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जब हमारा सब कुछ सक्सेसफुली चल रहा है, हमने स्टेटस 200 रिटर्न किया हुआ है और यहाँ पे देखो स्टेटस 403 रिटर्न किया हुआ है अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं भी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले हम सक्सेस रिस्पॉन्स देखते हैं। देखो इसने मेरे को पूरा का पूरा यूज़र जो बना है वो रिटर्न कर दिया है। फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, ई मेल ये है, यूज़र नेम ये है, लाइक सॉन्ग्स अभी कुछ भी नहीं है, लाइक प्ले लिस्ट अभी कुछ भी नहीं है, सब्सक्राइब आर्टिस कुछ भी नहीं है, आईडी मोंगो ने अपने आप असाइन कर दिया है। और ये देखो ये सबसे बढ़िया चीज़, टोकन। ठीक है, तो जो टोकन हमने लंबा सा जनरेट किया था ना, वो जो हमने यहाँ पे ऐड किया था, वो देखो मेरा टोकन यहाँ पे ऐड हो रहा है और ये वापस आ रहा है। अब मतलब ये कैसे हम इसको यूज़ करेंगे वो तो ऑफकोर्स बाद की वीडियो का पार्ट है, लेकिन अभी के लिए तुम ये देखो ये आ गया है। और अगर मैं कल को चाहूँ तो ये टोकन मेरी एक बहुत ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, और इस टोकन को अगर मैं बैकएंड पे भेजूँगा तो बैकएंड पता लगा लेगा कि मैं कौन हूँ और क्या मैं एक एक्चुअल यूज़र हूँ या मैं एक्चुअल यूज़र नहीं हूँ, और इस मैं एक्चुअल यूज़र हूँ तो मैं कौन से वाला यूज़र हूँ, सब कुछ मेरा बैकएंड इस टोकन से पता लगा लेगा। ठीक है, तो ये वो मैजिकल टोकन है। ठीक है, तो ये मैं देख पा रहा हूँ, ये भी मेरा रिटर्न हो रहा है, तो मतलब ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। ठीक है, अब एक बार हम DB में भी देख लेते हैं। अगर मैं अपने डेटाबेस में जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं एक बार इसके लोड होने की वेट करूँगा, ये देखो एक यूज़र नाम का ये क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर मेरा एक पूरा का पूरा यूज़र भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये हुआ यार मेरी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम और सब कुछ जो कि मेरा यूज़र था। ठीक है, ओके, बहुत सही है यार। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि पहली बात तो मेरा API रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है, और दूसरी बात मेरा यूज़र MongoDB में स्टोर भी हो रहा है। ठीक है, अब हम एक लास्ट चीज़ जो टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हमने कोड इस चीज़ का भी डाला था कि अगर मेरा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो 403 स्टेटस के साथ एरर आना चाहिए, यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, सेम ईमेल रख के फिर से सेंड दबा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखो इसने क्या कहा, 403 फॉरबिडन। तो ये कह रहा है मतलब चलो वो तो देखो हमने सही स्टेटस कोड डाला है तो पोस्टमैन उसको अच्छे से रीड कर पा रहा है कि 403 जनरली ये कहता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, और यहाँ पे देखो जेसन रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, एरर, अ यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और स्टेटस आ रहा है 200 की जगह 403। क्यों? क्योंकि उसने DB में देखा, उसको हमारा एक यूज़र ऐसा मिल गया, तो फिर उसने हमारे को रजिस्टर नहीं करने दिया। ठीक है, तो ये तो यार एकदम ही परफेक्ट हो गया हमारा, कैसे, क्योंकि हमने यूज़र रजिस्टर भी करके देख लिया। अब अगर मैं इसको अग्रिम 1 कर देता हूँ तो मेरा एक और यूज़र भी रजिस्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये टोकन जो मेरा पहले वाला यूज़र था और जो मेरा अब वाला यूज़र है, दोनों का टोकन अलग आ रहा है। ठीक है, चलो सही है। तो अगेन अगर मैं इसमें सेंड दबाऊंगा तो मेरा 403 आ जाएगा क्योंकि मैंने ईमेल चेंज नहीं करी है। तो हमारा साइनअप एकदम बढ़िया चल रहा है, डुप्लीकेट यूज़र्स नहीं क्रिएट हो रहे, लेकिन नए यूज़र्स क्रिएट बहुत ईजिली हो रहे हैं। तो हमारा साइनअप यूजिंग JSON वेब टोकन बढ़िया कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, तो इससे यार अब मैं इस वीडियो में यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मैं होप कर रहा हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, वरना नहीं लगी तो कमेंट्स में बता दो क्या अच्छा नहीं लगा, कोई डाउट है वो भी कमेंट्स में पूछ लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन राउट्स को बनाएंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन राउट्स को टेस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर तुम्हें बाई चांस अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ तो ये स्पॉटिफाई क्लोन की प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, जो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है। तो हमारा इस प्लेलिस्ट में एम क्या आया कि बाय द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, स्पॉटिफाई जो एप्लीकेशन है उसको पूरा क्लोन कर देंगे, वेब एप्लीकेशन को अपने कोड से, हर चीज़ अपनी तरफ से करके एकदम स्क्रैच से हमने शुरू किया है। ये तो अब हम पहुँच चुके हैं थोड़ा कहीं पर, लेकिन एकदम स्क्रैच से रिपोजिटरी सेटअप करने से हमने शुरू किया है इस सीरीज़ में। तो बाय चांस इफ उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी प्लेलिस्ट शुरू से देख लेना। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।